मेहता का उल्टा चश्मा। भाई आपने कोई सामान मंगाया था? नहीं तो सोसाइटी में तीन तीन टेको भर के सामान आया है। अरे लेकिन किसका सामान है? अरे ये हमारा सामान है। ए उतारो जल्दी। अरे क्या उतारो उतारो है भाई, ये काय चाटले काय है? कौन हो कौन तुम लोग? हम वो रस्ते पे सामान बेचने वाले हैं। मतलब जो फेरी वाले होते हैं वो? हाँ भाई साहब थोड़ा साइड में हट जाओ, हमें सामान रखना है। अरे सामान जल्दी रखो, हमें घर पे भी जाना है। अरे ए रुको रुको। अरे भाई साहब देखो आपको कोई गलत फहमी हुई है, आप गलत सोसाइटी में आए हो। ये गोकुलधाम सोसाइटी है ना? हाँ हाँ, तो फिर हम बरोबर आए। ए सामान इधर रखो ना। अरे ए रुको रुको, कोई सामान तो हाथ नहीं लगा। रखो रखो नीचे, रखो नीचे। अरे तुम्हें एक बार बड़ा समझ में नहीं आता, आप लोगों को यहाँ पे सामान रखने की परमिशन दी किसने? अरे बोलो। हमको तो कुछ महिलाओं ने आने को बोला है? हाँ। कौन महिला है? वो सेक्रेटरी ने बोला था। हाँ। अरे भाई यहाँ का सेक्रेटरी पुरुष है, महिला नहीं। सही बात है। हाँ वो सेक्रेटरी नहीं, सेक्रेटरी की बीवी ने आने को कहा। सेक्रेटरी की बीवी ने? हाँ बीवी ने बोला है तो सिक्योरिटी साहब थोड़ी मना करेंगे। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई साहब आप कौन है, आप किसके घर काम करते हो? मैं किसी के घर पे काम नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे सेक्रेटरी का काम संभालता हूँ। सेक्रेटरी का काम करते हो ना, तो जाओ सेक्रेटरी को बुला के लाओ। अभी पता चल जाएगा सेक्रेटरी साहब की उनकी बीवी से बात हुई होगी। जरा तभी से बात करो, मैं यहाँ का सेक्रेटरी हूँ। हाँ यही है सेक्रेटरी जो पुरुष है। आप ही सेक्रेटरी है? हाँ मैं ही हूँ, आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। और मेरी बीवी मुझसे पूछे बगैर यहाँ पे किसी को भी सामान रखने की परमिशन दे ही नहीं सकती। साहब आपकी बीवी ने सामान रखने की ही नहीं, कल से यहाँ सामान बेचने की भी परमिशन दी है। हाँ बेचने की परमिशन दी है, परमिशन दी है। सामान बेचने की परमिशन दे दी? हाँ हाँ। अरे भाई ये लोग क्या कह रहे, ये लोग यहाँ पर सामान बेचेंगे? अरे मास्टर ये सब क्या है? अरे नहीं कैसे बेच सकते? ये देखिए आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, ऐसी परमिशन यहाँ पे मिल ही नहीं सकती। आपको परमिशन देने वाली सोसाइटी सेक्रेटरी की दूसरी बीवी होगी। नहीं मतलब आपको परमिशन देने वाली दूसरे सोसाइटी की सेक्रेटरी की बीवी होगी। देखिए आपको किसी और सोसाइटी में जाना होगा और आप गलती से यहाँ आ गए। नहीं नहीं उन्होंने हमें गोकुलधाम सोसाइटी कहा था। लोग समझते क्यों नहीं है, वो कोई और गोकुलधाम सोसाइटी होगी। पाउडर गली वाली गोकुलधाम सोसाइटी यही है ना? हाँ तो हम सही जगह आए, आपको गलतफहमी हो रही है। नहीं नहीं हमें कोई गलतफहमी नहीं हो रही है भाई, हम हमारी सोसाइटी में ऐसी परमिशन किसी को देते ही नहीं है। आप सब लोग कान खोल के सुन लीजिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े या गोकुलधाम सोसाइटी का एक मेयर सेक्रेटरी आप सबको यहाँ पे सामान बेचने की क्या रखने की परमिशन नहीं दूंगा। इससे भी सामान उठाइए और यहाँ से प्लीज जाइए, वरना मुझे पुलिस बुलाने पड़ेगी। पुलिस बुलाने पड़ेगी, पुलिस बुलाने पड़ेगी, पुलिस बुलाने पड़ेगी, पुलिस बुलाने पड़ेगी। कमाल है वो महिलाओं ने हमारे साथ कैसा अजीब मजाक किया, हम सब गरीबों को मूर्ख बनाया। कह रहे थे कोई कुछ नहीं बोलेगा पर यहाँ तो सब रोक रहे हैं। छोड़ो ये तो ऐसे ही है। ये गोकुलधाम सोसाइटी अच्छी है पर यहाँ के लोग जैसा सुना था वैसे नहीं है। चलो जल्दी से सामान टेम्पो में लोड करो, अब यहाँ नहीं रुकेंगे। चला चला निका। हाँ भाई चलो चलो, चलो। मजा आया। ये लोग अभी यहाँ? हाँ इन्हें तो कला ने बोला था। उठे वाशे चलो देखे। आप लोग क्या? मैम साहब आपने हम लोगों के साथ ऐसा मजाक किया। मजाक कैसा मजाक?
आप तो कह रही थी हमें यहाँ कोई रोकेगा नहीं, पर ये सेक्रेटरी साहब हमें सामान उतारने से और बेचने से मना कर रहे हैं। आदमी, आप महिला मंडल ने इनको यहाँ पे सामान बेचने के लिए बोला था? हमने इन्हें यहाँ दिवाली तक सामान बेचने के लिए कहा है। आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोगों को यहाँ सामान बेचने की परमिशन मिल जाएगी। हाँ, अरे क्या मिल जाएगी? नहीं, आप यहाँ पे गोकुल में सामान नहीं बेच सकते। अरे आओ, का क्यों नहीं बेच सकते? अरे का काम आदमी, मैं आत्मारम तुकाराम भिड़े गोकुल सोसाइटी का एक मैं सेक्रेटरी हूँ और उस नाते मैं इनको परमिशन नहीं दे रहा हूँ। भिड़े भाई एक मिनट, पिल्ले एक वक्त तुम्हारी बात तो सुन लीजिए। रोशन भाभी, आपकी जो भी बात हो लेकिन वो सुनने के बाद ही मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। सोसाइटी के कुछ नियम होते हैं। सही बात है। वो काय सोसाइटी के नियम, कभी नियम कायदे कानून के ऊपर भी कुछ होता है। और नियम इंसान की मदद के लिए है, ना कि मदद ना करने के लिए। सही बात है। तो क्या हाथी भाई, आप दोनों के लिए सही बातें बोल रहे हो। ए मास्टर, मुझे दोनों की बात सही लगी, इसलिए मैंने कहा सही बात है। थैंक्स हंस। माधवी, नियमों के ऊपर भी कुछ होता है, ये सब किताबी बातें होती है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। हकीकत में दुनिया कायदे कानून नियमों पर चलती है। आप लोग इनको परमिशन देने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था ना, मैं ऐसे किसी को परमिशन नहीं दे सकता। देखिए भाई, इनसे जो भूल हुई है इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन प्लीज आप अपना सामान उठाइए और यहाँ से जाइए। ये लोग कहीं नहीं जाएंगे। भाई साहब, आप सब यही रुकेंगे, हमने आपको परमिशन दे दी है ना, बस यही रहेंगे आप। अरे माधवी, सोसाइटी का एक मैं सेक्रेटरी मैं हूँ, यहाँ पे परमिशन देना ना देना मेरे हाथ में है। सही बात है। मैंने तो पिल्ले ही कहा था, पीड़े भाई की परमिशन की जरूरत है। क्या, कब से परमिशन 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 कर रहे हैं आप? अगर सोसाइटी के सेक्रेटरी है तो हम लोग सोसाइटी के मेंबर्स है। आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है हमें। ये लोग यहाँ बिना परमिशन के ही सामान बेचेंगे। अच्छा ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि बिना परमिशन के ये लोग यहाँ पे सामान कैसे बेचते कैसे बेचते कैसे बेचते कैसे बेचते। तो ठीक है, हम महिला मंडल साथ में, हम लोग भी देखते हैं कि ये लोग यहाँ सामान कैसे नहीं बेच सकते। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। किस बात पे नारे लगा रहे हो? चाचा जी, हम भीड़े भाई से परमिशन लेने के लिए नारे लगा रहे हैं। मिशन? किस बात की परमिशन? ये सब लोग कौन है, यहाँ क्या कर रहे हैं भिड़े? चाचा जी, ये फेरी वाले हैं जो रस्ते पे सामान बेचते हैं ना, वो लोग। महिला मंडल चाहती है कि ये लोग अपने गोकुलधाम सोसाइटी के कंपाउंड में अपना सामान बेचे, उसके लिए मेरी परमिशन मांग रही है और मैं मना कर रहा हूँ। चाचा जी, अभी आप ही ने समझाइए परमिशन देने के लिए। समझाऊंगा, लेकिन पहले मुझे ये तो बताओ कि इन सबको अपना सामान यहाँ बेचने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या हुआ चाचा जी, हम लोग दिवाली की शॉपिंग के लिए मार्केट गए थे और तभी वहाँ अचानक मुंशी पार्टी की गाड़ी आई और साथ में पुलिस भी है। भागो भागो, और उसको और उसको ए पागल आज दो भाग रहा है, और पकड़ उसको। और पुलिस की रेड पड़ने से पूरा बाजार टिटर बिटर हो गया। रास्ते पर से गर्दे टालने के लिए इन फेरी वालों को वहां सामान लगाने से सख्त मना किया। अब इनके पास सामान बेचने के लिए कोई जगह नहीं है। इन्हें परेशान देखकर हमें ऐसा लगा कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए। इसलिए हमने इन्हें सामान बेचने के लिए गोकुलधाम में आने के लिए कहा।
इसलिए चाचा जी हम चाहते हैं कि ये अपना सामान बेचने के लिए यहाँ गोकुलधाम में स्टॉल लगाए, ताकि दिवाली में इनकी थोड़ी कमाई हो, इनकी मुसीबतें कम हो। और ये भी हमारी तरह खुशी से दिवाली मना सकते। हाँ साहब, अब हमारे पास सामान बेचने के लिए कोई जगह नहीं है, बस है तो इन देवियों का साथ। अभी आप ही बताइए चाचा जी, हमने क्या गलत किया? हाँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम सबने बहुत अच्छा काम किया है। अरे ऐसा काम करने के लिए बड़ा दिल चाहिए। अरे ये तो पुण्य का काम है, हमें करना ही चाहिए। हाँ, ऐसे किसी की मदद करने का मौका किस्मत वालों को मिलता है। हाँ। और एक दूसरे की मदद करना तो हम इंसानों का फर्ज है। थैंक यू हंस। चाचा जी मैं मानता हूँ कि इंसान की मदद करना इंसान का फर्ज होता है, पर हमारी महिला मंडल खुद आगे बढ़ के इनकी मदद कर रही है, इस बात की मुझे खुशी भी है। तो वो काय अड़ता है? लेकिन क्या है ना चाचा जी, ये सोसाइटी मेरे अकेले की नहीं है ना। अभी देखिए ये पोपटलाल आ रहा है, सोसाइटी के मेंटेनेंस में अगर मैं 10 रुपया भी बढ़ाता हूँ ना, तो ये 10 सवाल खड़े कर देता है। अगर कोई बात ठीक नहीं लगे तो कैंसिल कैंसिल बोलने लगता है, हर छोटी छोटी बात पे मुझसे इस्तीफा मांगने लगता है। अगर इसकी मंजूरी के बगैर मैं इसको परमिशन दे दूंगा तो पता नहीं ये क्या करेगा। अभी देखना यहाँ पे आके क्या बोलेगा। बेटा क्या है सब, कौन है ये लोग, हमारी सोसाइटी में क्या कर रहे, देखना देख। अरे बेटा क्या है ये सब, कौन है ये लोग और हमारी सोसाइटी में क्या कर रहे। पोपट भाऊ जी, ये गरीब फेरी वाले हैं और हम इन्हें मदद करना चाहते हैं। हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। करो करो बहनों, मदद करो, मैं आपके साथ हूँ। हाँ, पर इन्हें मदद करने के लिए हमें भेड़े भाई की परमिशन चाहिए। ये भेड़ा भाई, मेरी बहनों को परमिशन दे दे। पंखा, पोपट भाऊ जी ने भी परमिशन दे दी, अभी आप भी दे दीजिए। पोपट लाल पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद मुझे तुम्हारी राय चाहिए। हा? अरे भाई मैंने सब बात सुन ली भाई, तू दे देना परमिशन मेरी बहनों को, तू बोल तो मैं लिख के दे दूं। पोपट लाल तुमने अभी तक पूरी बात सुनी नहीं है भाई, पहले बात को सुन लो, जान लो, उसके बाद अपनी राय दो। पोपट भाऊ जी मैं आपको बताती हूँ क्या है, ये सब गरीब फेरी वाले हैं और उनको यहाँ हमारे कंपाउंड में स्टॉल्स लगाने हैं और इसके लिए हमें इनकी परमिशन चाहिए। सिर्फ परमिशन नहीं देने पोपटलाल, इनको यहाँ पे स्टॉल लगाने देने के साथ साथ बाकी सारी व्यवस्थाएं भी देनी पड़ेगी, जैसे लाइट का कनेक्शन, पानी वगैरह, उसका सारा खर्चा सोसाइटी फंड से जाएगा। ये तो बहुत अच्छा काम है, इसमें जितना भी खर्चा हो रहा है होने दे, अगर जरूरत पड़ी तो पैसे मैं अपनी जेब से दे दूंगा। चल चल। क्या चल चल, सच में दे दूंगा। अरे भाई मेरी बहनों को मेरा पूरा सपोर्ट है। थैंक यू सो मच पोपट भाई, थैंक यू। शाबाश पोपट बेटा, बस भाई है भिंडी मास्टर, अब तो तुझे शांति हो गई ना, चल अभी परमिशन दे दे। चाचा जी मैं अभी भी परमिशन नहीं दे सकता। अरे अब क्या? अरे अब क्या प्रॉब्लम है तुझे? आपका सुपुत्र जेठालाल, उसको भी तो पूछना पड़ेगा ना, ये तो वो कुछ अलग बोलेगा, पिसोड़ी कुछ अलग बोलेगा, अय्यर कुछ अलग बोलेगा, मेहता सब कुछ अलग बोलेंगे। नहीं नहीं, मुझे सबसे बात करनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं परमिशन दे सकता हूँ। मुझे आपातकालीन मीटिंग बुलानी पड़ेगी उसके लिए। हाँ तो ठीक है, सबको अभी के अभी बुला और इस बात का फैसला कर। जो भी है ना, अभी फटाफट फाइनल कर दो। अभी के अभी फाइनल कीजिए। थैंक यू सेठ, थैंक यू। आपको भी एडवांस में हैप्पी दिवाली। जी जी जी, आप भी घर पे सबका बोलना मेरी तरफ से, ठीक है? ओके ओके। बोल भाई क्या हुआ? सेठ जी पहले प्रॉमिस कीजिए आप ना नहीं बोलोगे।
नहीं भाई, ऐसे बात क्या हो जाने बिना मैं हाँ नहीं बोल सकता। इस दिवाली में मुझे बोनस चाहिए। नहीं, बोनस तो हर साल आप देते ही हैं। हाँ? तो क्या डबल बोनस चाहिए? नहीं नहीं। तो इस साल मुझे दिवाली में आपसे वो चाहिए जो आज तक कभी भी आपने मुझे दिवाली में नहीं दिया। सोने का सिक्का? नहीं। तो छुट्टी? छुट्टी 10 दिन की। 10 दिन की छुट्टी? हाँ सेठ जी। क्यों 10 दिन के क्यों? वो सोच रहा हूँ बावरी जी को थोड़ा हिमाचल घुमा के लाऊं। विचार अच्छा है, लेकिन जरा सोच बेटा, पिछला साल हमारा कितना खराब गया है, इस साल भी कुछ खास धंधा हुआ नहीं है। अब ये दिवाली आ रही है तो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा कुछ धंधा होगा। अभी ऐसे में तू छुट्टी लेके चला जाएगा तो फिर कैसे काम होगा बेटा? मैं तो समझता हूँ सेठ जी। हाँ। लेकिन ये बावरी जी बहुत जिद कर रहे हैं। आ तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, तो बावरी को घुमाने ले जा। मैं तुझे हिमाचल से भी बढ़िया जगह बताता हूँ। अच्छा, कौन सी? अपना छोटा कश्मीर। हिमाचल में क्या है, पहाड़ी है ना, तो अपने छोटा कश्मीर से भी मस्त पहाड़ दिखते हैं। और छोटा कश्मीर में तो तड़ाव भी है, तो इन्हें पहाड़ देखते देखते बोटिंग भी करना है? 10 दिन की मजा तुझे एक ही दिन में मिल जाएगी है? और हिमाचल अगले साल चले जाना बेटा। अगले साल भी हिमाचल तो वही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, है? ठीक है। हाँ बोल भीड़। हाँ जेठा, कहाँ हो? अरे मैं कहीं भी हूँ, बोलना काम क्या है? ठीक है, तुम जहाँ कहीं भी हो तुरंत गोकुलधाम आ जाओ। क्यों? अर्जेंट मीटिंग करनी है। किस बारे में? अरे वो मैं फोन पे नहीं बता सकता जेठालाल, भाई जल्दी आओ ना यहाँ पे। अरे भाई ऐसे दुकान छोड़ के मैं नहीं आ सकता हूँ भाई, दिवाली का टाइम है, तुझे मीटिंग रखनी है तो रात को रख, अभी दिन में तो मैं दुकान छोड़ के नहीं आ सकता हूँ। अरे आ जाओ ना जेठालाल, मैं तो पूर्ण निर्णय लेना है। अगर हम लोग मिलकर निर्णय ले लेंगे ना, बाद में तुम ही कहोगे कि मुझे पूछे बगैर कैसे निर्णय ले लिया। तुम लोगों को जो निर्णय लेना है वो ले लो, मेरी तरफ से हाँ ही है, ठीक है? नहीं नहीं, विषय जाने बगैर हाँ मत बोलो जेठालाल। हाँ तो क्या विषय है वो बता भाई। ठीक है चाचा जी। ये जेठा कैसे बात कर रहे हैं मुझसे, जैसे मैं इसे पकड़ लेता हूँ। क्या क्या कह रहा है? उसका कहना ये है कि वो नहीं आ सकता क्योंकि दिवाली का टाइम। छोटी छोटी बातों के लिए मुझे कितना सुनना पड़ता है, कितना झेलना पड़ता है, इसलिए मैं परमिशन नहीं दे रहा हूँ। बेड़े तो शांति रख भाई, वो अभी नहीं आ सकता ना यहाँ पर। तू एक काम कर, तू कॉन्फ्रेंस कॉल कर मेहता साहब, सोडी अय्यर, सबको कॉन्फ्रेंस कॉल पर लेकर सलाह मशवरा कर ले और उनकी परमिशन ले ले। गुड आइडिया, गुड आइडिया। हाँ ये आइडिया अच्छा है। हाँ ये अच्छी आइडिया, करेक्ट है। हाँ जेठा, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। थैंक यू, चल। ए चल क्या चल, एक मिनट, आने की जरूरत नहीं, मतलब मैं अभी मेहता साहब छोड़िए यार को कॉन्फ्रेंस कॉल पे दे रहा हूँ, फिर हम लोग कॉल पे ही मीटिंग करते हैं। जब टेलीकॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा है तो क्यों सबको दौड़ा रहा है भाई? एक मिनट जरा होल्ड करना, मैं मेहता साहब को कॉल पे लेता हूँ। हाँ बेटे बोलो। हाँ मेहता साहब जरा होल्ड करना, मैं सोडी और अय्यर को कॉल पे ले रहा हूँ, एक मिनट ना, कॉन्फ्रेंस कॉल। सत्रीकाल पीड़ू। हाँ सोडी जरा अय्यर को कॉल पे ले रहा हूँ, होल्ड करना। हाँ बोलो आत्मराम। हाँ एक मिनट ना, जेठालाल मेहता साहब सोडी अय्यर हाथी भाई, सॉरी आप तो इधर ही, पोपटलाल भी इधर ही। हाँ बाकी सब लोग यहाँ पे और तुम लोग कॉल पे हो, तो मैं मीटिंग शुरू कर रहा हूँ। हाँ तो सब आ गए तो अभी बोल भाई, किस बारे में अर्जेंट मीटिंग बुलानी है तुझे? हाँ बताओ बताओ फिर। बात दरअसल ये है कि ये बात भिड़े, ये तो बहुत गलत बात है दोस्त। वाटलस माला, मुझे लगा ही था कि तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ खटकेगा, इसलिए मैं परमिशन नहीं दे रहा था।
अरे भाई तुमने उनको परमिशन नहीं दी है इसके लिए मैंने बोला, ये गलत बात है भाई। इतने अच्छे काम के लिए पूछने की क्या जरूरत है, परमिशन दे दे भाई, मेरी यहाँ है। अबड़े इंसान को कई बार जिंदगी में दिमाग से नहीं दिल से सोचना चाहिए, और दिल से इस मसले पे सोचोगे तो हाँ की आवाज ही आएगी, तो मेरी तरफ से भी हाँ है। मदद करना तो इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म होता है, वो मेरी तरफ से वड्डी वाली हाँ है। आदरम, being a treasurer, I am giving my permission. नहीं ठीक है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ध्यान में रखना कि गोकुलम सोसाइटी के सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। यहाँ पे स्टॉल लगेंगे तो बाहर से काफी सारी भीड़ इकट्ठा होगी, लोग आएंगे जाएंगे, तो सब पे ध्यान में नहीं रख सकता। ओए पिड़ू, और रफ्ते भरोसा रखते परमिशन दे दे, कुछ नहीं होना। हाँ भिड़े, इतना सोचने की जरूरत नहीं है भाई, दे दे परमिशन, दे दे भाई, सब अच्छा होगा, ठीक होगा भाई। अरे भला काम करने जा रहे हैं भिड़े, सब अच्छा ही होगा। हाँ आदवाराम, परमिशन दे दो। हाँ ठीक है, फिर आप सबकी राय में यहाँ पे सबको बता देता हूँ। ओके चंगा जी, सत श्री अकाल। ओके दोस्तों, जहाँ चाह है वहाँ राह है, और इस काम के लिए दिल से वाह वाह। कितनी कमाल की बात है ना, गरीब फेरी वालों की मदद के लिए गोकुल धाम में दिवाली मेले का आयोजन किया जा रहा है, यानी कि इस बार की दिवाली गोकुल धाम में अद्भुत होगी, जबरदस्त होगी। लेकिन कहते हैं ना, आप बनारस जाएं और पान न खाएं, ऐसा संभव है नहीं ना। ठीक वैसे ही यदि गोकुल धाम में कोई आयोजन और हंगामा ना हो तो संभव नहीं है। अब देखना यह, क्या ये मेला आयोजित होता है, किस तरह से आयोजित होता है, और आयोजन में क्या बाधाएं आती है नहीं आती, यहाँ मेले में क्या क्या होगा, कितने हंगामे होंगे, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ मित्रों, एक विशेष बात, आज दीपावली, दिवाली का शुभ त्योहार, मेरी और तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अंधेरे पर उजाले की विजय का ये उत्सव आपके जीवन में खुशियां लाए, जगमग दीप जलाए, और आशा के दीप सदैव प्रज्वलित रहें। आप खुश रहें, हंसते रहें, और देखते रहें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहें। तो इसका नाम हम गोकुल धाम दिवाली मेला रखते हैं, ठीक है। और चाचा जी, कल मेले का उद्घाटन आप ही करना है? अरे नहीं नहीं बेटा, दिवाली मेले का उद्घाटन तो तुम सब लोगों के हाथों से ही होना चाहिए। तो मैं आत्माराम तुकाराम। भिड़े, जेठालाल कहाँ है? अरे वो रे पापा गार्डन में। चल जल्दी चल भाई। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।